अगर आपके भी घर में बहुत ज्यादा चूहे हैं और मार्केट से लाई गई दवाई को भी खाकर ना चूहे मरे हैं ना ही आपके घर से गए हैं, तो आज आपके लिए ऐसा मैजिकल उपाय लेकर आई हूँ। एक दिन में आपके घर के सारे चूहे भाग भी जाएंगे और मर भी जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसी गोलियां बनाई है जो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और चूहे इन्हें खा करके आपके घर की नाली के द्वारा आपके घर के बाहर होंगे केवल एक दिन में। सो फ्रेंड्स, इस इंग्रेडिएंट को जानने के लिए कि मैंने ये उपाय कैसे बनाया है, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। अगर आपने स्किप किया तो आप कुछ भी मिस कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और बताते हैं आपको ये उपाय कैसे करना है और कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको चूहों को भगाने के लिए एक बेहतरीन उपाय लेकर आए हैं। अगर आपके भी घर में बहुत चूहे हैं और मार्केट से लाई दवा से भी चूहे नहीं भागे हैं, तो आप हमारे बताए गए उपाय को करके चूहों को एक दिन में भगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और बताते हैं कि आपको ये उपाय कैसे बनाना है और चूहों को भगाने के लिए ये दवा आप कैसे बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे ही भगा सकते हैं अपने घर के सारे चूहों को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तेज पत्ता लिया है। आपको 8 से 10 तेज पत्ता लेना है और उसको बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लेना है। फ्रेंड, चूहे तेज पत्ते की महक से बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, लेकिन इसमें जो तत्व पाए जाते हैं ना, वो चूहों के लिए बेहद जहरीले होते हैं और चूहे इसे खाकर अपना दम तोड़ देते हैं। इसलिए हम तेज पत्ते को शामिल करेंगे दवा बनाने के लिए। फ्रेंड्स, दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया है प्याज। आपको आधी प्याज किस करके उसका रस निकाल लेना है, आधी प्याज का। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि प्याज में बहुत ज्यादा गंध आती है, तो चूहे भी इस गंध से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। चूहों को प्याज की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम दवा बनाने में प्याज को शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, तीसरा हमारा उपाय है लाल मिर्च। लाल मिर्च बहुत ज्यादा तीखी होती है जो कि चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। चूहे इससे कोसों दूर रहते हैं, इसलिए हम लाल मिर्च लेंगे ताकि चूहे हमारे घर के अंदर बिल्कुल ना आ सके। इसलिए आप आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लें। फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं, एक दवा बनाएंगे जो चूहों को भगाने के लिए काम आएगी। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने इसका पाउडर बना लिया है। इसके साथ ही मैंने ऑनियन का रस निकाल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसकी बनाएंगे दवा। तो मैं इन सबको एक साथ ले लूंगी, इन सबको मिला लूंगी। इसके साथ ही हम बनाएंगे इसकी गोलियां, बनाएंगे छोटी छोटी गोलियां जो चूहों को भगाने का बहुत अच्छा रामबाण उपाय है। आपको कोई भी मार्केट से गोलियां लाने की जरूरत नहीं है चूहों को भगाने की, क्योंकि वो गोलियां हमारे लिए भी बहुत साइड इफेक्ट का काम कर सकती हैं। इसलिए आप घर बैठे ही बना सकते हैं, चूहों को जितने भी चूहे आपके घर के आप आराम से भगा सकते हैं। तो मैं इस तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लूंगी और एक ऐसा पेस्ट बना लूंगी कि इससे ना छोटी छोटी गोलियां बन जाएं। देखिए, हमें छोटी छोटी गोलियां बनानी है। आपके घर में जितनी भी नालियां हैं या फिर जितने भी चूहे के बेल हैं, आप उस अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट लीजिए। मैं सिर्फ 4 से 5 गोलियों के लायक इतना बनाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पेस्ट बहुत अच्छे से बन चुका है। अब हम बनाएंगे इसका छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे ताकि जब ये चूहे इस गोलियों को खाएं तो वो बिल्कुल अपना दम ही तोड़ दें और आपके घर से बिल्कुल बाहर चले जाए और कभी भी आपके घर के अंदर ना आए। तो देख लीजिए, मैं छोटी छोटी ऐसे करके गोलियां बना दूंगी। और इन गोलियों को आपको क्या करना है ना, किसी भी ऐसे करके ये गोलियां आप अपने घर के नालियों में रख दें, जहाँ पे चूहे मोस्टली आपके चूहे आते हो और जहाँ पे चूहों का बिल हो, आप ऐसे ये गोलियां बना करके रख दीजिए। जब चूहे इन गोलियों को खाएंगे तो वो चूहे वहां से बिल्कुल दूर भाग जाएंगे और आपके घर के बाहर ही अपना दम तोड़ देंगे। इसके साथ ही आप ऐसे मत डालिएगा, थोड़ा सूख जाने दीजिएगा, थोड़ी ये हार्ड हो जाए, थोड़ा सा पंखे में आप इसको सुखा लें। जब ये हार्ड गोली जैसी हो जाए, अब आप इनको चूहे के बिल में या फिर जहां से चूहे आते और जाते रहते हैं उन नालियों के पास ये सारी गोलियां लगा दें। अगर आप कम से कम 8 से 10 गोलियां लगा देंगे रात के टाइम पे, तो चूहे उन्हें खा करके इस नाली के द्वारा ही आपके घर के बाहर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये गोलियां आप जरूर नाली पे लगा लें, आपके घर के जितने भी चूहे हैं वो चले जाएंगे और आप
जो मार्केट से जो दवाइयां आती है उनको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो गोलियां होती हैं वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, हमको भी उनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब हम गोलियों को अपने हाथों से लगाते हैं तो वो हमारे हाथ में भी टच होती हैं और उससे भी हम ब्रीथ लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान है उन गोलियों का भी। आप ऐसे इंग्रेडिएंट से अपने घर के चूहे जितने भी हैं आप ऐसे इंग्रेडिएंट से उनको भगा सकते हैं। सो फ्रेंड जरूर करके देखें ये उपाय और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके घर के चूहे भागे या नहीं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।